हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी का? तो भाई साहब आज है फ्राइडे, अभी जस्ट भाई हम जुमा की नमाज पढ़ के आ रहे हैं भाई। तो आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और गाइस आप लोग भूलना नहीं क्योंकि नेक्स्ट संडे से स्टार्ट होने वाला है हमारा क्रिकेट चैलेंज मैच। यस भाई साहब, नेक्स्ट संडे से स्टार्ट होने वाला जीशान का क्रिकेट चैलेंज मैच, मतलब ये संडे छोड़ के अगले वाले संडे से। यस भाई साहब हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई क्रिकेट चैलेंज के लिए। और ये देखो भाई साहब आज जीशान ने अपना बाल बाल सब कटवा लिया, ये देखो भाई कितना स्मार्टी लग रहा है। आप लोग कमेंट बताना भाई जीशान कैसा लग रहा है, शक्ल से ही चोर लगता है। और हाँ भाई साहब हमारे चैनल पे बस कंप्लीट होने वाले भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर, बस भाई हमको 35,000 सब्सक्राइबर और चाहिए। 9,65,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी भाई सब लोग चैनल सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल पे भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले। यस भाई साहब फिर गोल्डन प्ले बटन भी आएगा। यस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो भाई सब लोग। अब्बा हमारे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ तो आप लोग जो है सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कीजिए ताकि 1 मिलियन इसी महीने में हो जाए यानी इसी साल में हो जाए। हाँ, बहुत बेसब्री से इंतजार है ना अब्बा। हाँ, गोल्डन का जो है बहुत बेसब्री से इंतजार है। चलो भाई जितने लोग भी देख रहे सब लोग चैनल सब्सक्राइब करो, जिसने भी नहीं किया है अपने फ्रेंड फैमिली सबसे करवाओ फटाफट भाई, ये साल के अंदर कम्प्लीट हो जाना चाहिए। बस 35,000 चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए भाई। चलो जीशान कल हम लोग तौफीक के साथ खतरनाक वाला प्रैंक करने वाले हैं। yes, भाई वही। हाँ, कल करते। कौन सा वाला? वही कार चोरी वाला ना। हाँ, कल हम लोग करने वाले हैं भाई। मजा आएगा। भाई सारा कुछ प्लानिंग हमने कर रखा है, कल भाई तौफीक सेठ के साथ होगा खतरनाक वाला प्रैंक, मजा आएगा भाई। कल होगा चोरी प्रैंक, कार चोरी प्रैंक। और फिलहाल भाई साहब ये देखो दिन के बज गए हैं 2 और यहाँ पे देखो भाई हमारा लंच भी आ चुका है, तो फटाफट भाई अभी खाना खाते हैं। चलो भाई यहाँ पे रहा हमारा अली। अली बेटा जुमा मुबारक। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये क्या हो गया भाई, डर गया मेरे आवाज से? नहीं 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 बेटा, नहीं 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 कॉमेडी मार दिया मेरे बेटे ने। देखो भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, बस मैंने बोला कि ये देखो ये रहा मेरा बेटा अली, उतने में भाई ये रोने लगे। अब मम्मा के पास जाके देखो चुप भी हो गए। अब चलो खाना खाता हूँ फटाफट। चलो और फटाफट भाई साहब मैंने खाना वाना खा लिया और भाई आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है जो कि है भाई जीशान की न्यू वाली ATV जो कि भाई लखनऊ से निकल चुका है। आई थिंक 4 बजे तक हमारे घर पे पहुंच जाएगा भाई। भाई पिकअप से आ रहा हमारा न्यू वाला ATV, तो भाई साहब बहुत ज्यादा हम लोग एक्साइटेड है भाई क्योंकि बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे न्यू वाले ATV का। और मैंने सुना कि भाई बहुत ही खतरनाक बहुत मॉन्स्टर वाला ATV है भाई, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं उसी का, अभी आएगा तो आपको दिखाते हैं भाई। क्या हाल चाल है भाई साहब? सब बढ़िया। ये बताओ कब तक आ जाएगा ATV? ATV अभी 1 घंटे में आ जाएगा। हाँ हाँ चलो भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तौफीक सेठ? बढ़िया भाई बढ़िया। अरे आज पैदल घूम रहे हो, आपकी कार कहाँ गई? क्या करूँ भाई यार, मंगनी में गई है भाई आज। अच्छा एक काम है भाई, कल तुम्हारा कार चाहिए भाई। कब चाहिए? अरे कल दिन में चाहिए था, ऐसे 1-2 घंटे का काम है बस। ले लेना भाई ले लेना। हाँ चला लेगा ना। आर यू कॉमेडी मी? बहुत अच्छा मजाक करते हो आप। ले लेना भाई। तौफीक सेठ कहाँ ले चल रहे हो अभी? चलो यार कड़क चाय पिलाता हूँ भाई। चलो भाई 2 रुपए का नमकीन। क्या क्या बोला तूने? 2 रुपए का नमकीन, 2 रुपए का नमकीन। साले 2 रुपए का क्या नमकीन रे? कितने का? 20-50 रुपए का मंगा लूं, 3 आदमी में 2 रुपया बहुत है समझा।
ये देखो भाई टॉपिंग ने 2 रुपए का नमकीन मंगवाया। साले तो सही दिमाग में उठा लिया पूरा एक ही बार में पूरा उठाया। एक एक दो पीस मैं ले लेता हूँ, एक दो पीस तुम ले लो बस। बताओ भाई इतनी गरीबी आ गई है, पेट भरना है उससे क्या। आज हार खाने का पैसा नहीं है, तुम नमकीन की बात कर रहे हो यार। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया चलिया। ए मेरे सपनों की रानी कब आएगी, जल्दी आएगी जल्दी आएगी। सच में थार रॉक्स को दूर से देखने लालच लगता है भाई कसम से। अरे बोल रहा हूँ मांगने उगने देगा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लोटा, ये अश्लील है ये लोटा। बाय बाय सेठ, जा रहा हूँ एक काम से, अभी आता हूँ। भाई मैं चाय ही पी रहा था, फैसल का कॉल आया कि एटीवी आ चुकी है चौराहे पे, यहीं कहीं है गाड़ी भाई, तो लेके चलते हैं घर पे। ये देखो भाई साहब फाइनली एटीवी लोडेड टीवी। यस जीशान भाई आ गए, ये तो जैसा सोए थे उससे भी खतरनाक है ये। बहुत मॉन्स्टर, देख लो टायर वायर देखो भाई साहब, एक बार टायर देख लो यार। चलो घर लेके चलते, चलो चलो। तो भाई साहब हमारी एटीवी पहुंच चुकी है हमारे पार्किंग में और अभी भाई गाड़ी उतारने जा रहे हैं हम लोग, चलो। जीशान कैसा लग रहा, तेरी न्यू एटीवी आ चुकी है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन से इंतजार था कि अपनी एटीवी कब आएगी और भाई फाइनली आ गई अपनी। कैसा लग रहा है ये बता भाई? मस्त लग रहा है, अब जब रिवील होगा ना तब देखना। मतलब जितना हम लोग सोचे थे ना भाई उससे भी खतरनाक एटीवी है। मैंने सोचा था छोटा रहेगा लेकिन ये भाई काफी बड़ा है ना जीशान? हाँ। और भाई अभी कलर वालर नहीं रिवील होगा, बाद में जब अनबॉक्सिंग होगा इसका अच्छे से तब रिवील होगा, है ना? यस। अब्बा न्यू एटीवी आ गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ इसको ओपन हो जब मालूम पड़ेगा क्या है। बहुत मॉन्स्टर दिख रहा है। हाँ सही। और भाई अपनी एटीवी की सबसे प्यारी मुझे चाबी लगी भाई, देखो कितनी खूबसूरत है भाई, मस्त की चाबी लगी। तो फाइनली भाई साहब ये देखो जीशान की न्यू एटीवी आ चुकी है भाई हमारे गैराज में। कैसा लग रहा है भाई? भाई बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है बाइक, मुझे कसम से बता रहा हूँ। मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार था 2-3 महीने से ना, और आ गई फाइनली भाई। यस भाई, जीशान कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता इतना अच्छा लग रहा है। और भाई अभी आज लुक जो है रिवील नहीं होगा, कल इसका लुक रिवील होगा, कल भाई समझ लो इसकी अनबॉक्सिंग होगी। चलो भाई सही है, मस्त लग रहा है भाई। टायर वायर देख लो भाई कितना मोटा है, ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर का टायर है भाई। ये देखो, चलो भाई साहब। और ये रहा गाड़ी का पेपर, इसको संभाल के रखो। चलो yes, yes. चलो भाई, बच्चे लोग न्यू एटीवी आ गए। देखो भाई मैं अपने रोड साइड पे बाइक खड़ा किया था, पता नहीं कौन ये सब गाज दिया लाके भाई। ये देखो ये सब कौन लगा दिया मेरे बाइक पे। चलो भाई साहब हमारे गैराज में एक और आइटम ऐड हो गया भाई साहब, मतलब सच में यार जितना सोचे नहीं थे ना उससे भी खतरनाक है ये एटीवी। अब कल जब अनबॉक्सिंग हो ना तब पूरा दिखाएंगे भाई आपको। चलो यार सुनो, एटीवी आ गई इतनी खतरनाक कसम से, खूब बड़ी सी है। मैं इंतजार कर रही थी कि घर पे लेकर आएंगे। नहीं अभी पार्किंग में रखा हुआ है, अभी एक्चुअली अनबॉक्सिंग नहीं हुआ है ना, तो कल लेके आएंगे घर पे। मैं फैसल से बोली थी तो उसने थोड़ा सा वीडियो दिखाया मुझे। हाँ? हाँ। बहुत खतरनाक है कसम से।
भाई मुझे लगा था ना छोटा सा एटीवी होगा, लेकिन भाई ये तो खूब बड़ा सा है भाई, मतलब हम लोग भी बैठ के चला सकते हैं और दो तीन लोग उस पे बैठ भी सकते हैं। लेके जाना बोला रे, क्या नहीं लेके जाना है क्या? यहाँ क्या हो पागल हो गया क्या? तो क्या मैं चला रही? चाबी छोड़, मैं अपने दोस्तों को बस दिखाने जा रहा हूं। समय कौन सा आए हैं देखने? देखो नौटंकी कर रहा है, बोल रहा है कि जा रहा हूं एटीवी चला, अभी खोला चलाने नहीं, चला के थोड़ा दिखाऊं कि जा उसको कल अनबॉक्स तो हो जाने दे, तो कहीं मैं बाहर थोड़ी ना ले जा रहा हूं चलाने। क्या कर रहा है तू? एटीवी चलाने जा रहा रात को? चलाऊंगा नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा देर ढुरकाऊंगा, चलाऊंगा ऐसे दिखाऊंगा अपने दोस्त है, अरे ढुरकाऊंगा दोस्त है, दिखाऊंगा ढुरकाऊंगा। नौटंकी ना कर, जी सर मार दे, छोड़ तू, छोड़ बोल रहा हूं, बाहर होना चला, चाबी तो छोड़ बोल रहा हूं रे, मार खा रे, छोड़ मार दे ऊपर, छोड़ रे मार दे इसको, सही में देखो मार नहीं रहा है, क्या रात को लेके जा रहा है रे, कहां ले जा रहा हूं, चाबी दे, चाबी दे दे, चाबी दे दे, कहां है दे रे चाबी, नहीं दूंगा चाबी, ले 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 चाबी, छोड़े देख लो, मार दूंगा जी सामान, छोड़ दे, छोड़ेगा कि नहीं, छोड़ेगा कि नहीं, ये देखो भाई पहले दिन ही लड़ाई हो गया, वाह एटीवी आ गया भाई की पहले दिन लड़ाई, कल चलाना नहीं थोड़ी, तेरा थोड़ी ना है, मेरा इसको, है ना, तो मेरा का है, मैं बोल रहा हूँ कल चलाना ना इसको, हाँ तो रहने देना, देखो अभी कितना बज रहा है, 8 बज गया, अभी चलाएगा, देखो भाई शाम के 8 बज रहे, सही बात, छोड़ दे, शाम क्या रात हो गया, छोड़ दे, इसके बाद भी चला, चला मैं चाबी छुपा देता हूँ, नहीं तो ये पक्का रात में निकल देगा, ऐसे स्कूटी लेके गया था उस दिन भाई साहब, ये देखो अभी रूम से जस्ट मैं बाहर गया, देखा भाई जीशान और फैसल भाई लड़ाई कर रहे थे, एक्चुअली भाई जीशान जिद कर रहा था रात को जाके एटीवी चलाने के लिए और फैसल मना कर रहा था, तो इसीलिए फैसल ने भाई जीशान को मारा भी। भाई अली बेटा तुम भी चलाओगे एटीवी? अली हमारा बड़ा हो जाएगा तो हम अली के लिए भी एटीवी मंगाएंगे भाई, अली के लिए डर्ट बाइक भी मंगाएंगे, एटीवी भी मंगाएंगे, अली जो जो बोलेगा सब मंगाएंगे, सब मंगाएंगे, एटीवी है तो और क्यों मंगाएंगे? अरे तो जब बड़ा हो जाएगा तब तो खराब नहीं हो जाएगा वो? अरे तब का तब देखेंगे ना, अभी जब तक छोटा रहेगा तब तक तो चलाएगा ही, जल्दी नहीं खराब होएगा। अच्छा अली बोल रहा है कि मैं जीशान भाई वाला एटीवी चलाऊंगा, जीशान भाई वाला चलाएगा बेटा, बहुत टाइम लगेगा तब तक तुमको बड़े होने में, बहुत। तो बस भाई साहब आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, से नेक्स्ट व्लॉग, बाय, अली बाय कर दो तो बेटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।